नमस्ते दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। निशा की आसान सी रेसिपी आज दोस्तों हम बनाएंगे जी, बथुआ और साग। दोस्तों सरसों का साग है और इसके साथ में बथुआ है। इसे दोस्तों हमने 2-3 बार पानी से धुल लिया और धुल के इसे दोस्तों इसे छोटा छोटा काटेंगे चाकू की सहायता के। इससे दोस्तों हम बनाएंगे भुजिया। दोस्तों इसकी भुजिया बहुत टेस्टी लगती है और दोस्तों बनाना भी बहुत आसान है। इसे हम चाकू की सहायता से छोटा छोटा काटेंगे। दोस्तों बथुआ और दोस्तों सरसों के साग की हम भुजिया बनाएंगे और जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और दोस्तों इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे दोस्तों हमने चाकू की सहायता से दोस्तों हमने इसे छोटा छोटा काट लिया। अब दोस्तों इसे कढ़ाई में, इधर दोस्तों हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर लोहे की। इसे में दोस्तों साग रखेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। दोस्तों इसकी दोस्तों भुजिया बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। दोस्तों ये सब्जी पानी अपना छोड़ेगी, इसे ढक देंगे एक प्लेट से दोस्तों। और इसकी दोस्तों सब्जी बहुत अच्छी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे दोस्तों एक प्लेट से ढक देंगे। दोस्तों हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है और इसे दोस्तों धीमी आंच पे हमने ढक्कन से पकाया। दोस्तों इसमें पानी सब्जी अपना छोड़ रही है। दोस्तों इसी में हम दोस्तों आलू डालेंगे। 4 आलू हमने ले लिए हैं मीडियम साइज के, इसी में दोस्तों डाल देंगे। आप चाहो तो आलू डाल सकते हो, ना मन हो तो इसमें आप जरूरत हो तो आलू डाल सकते हो, नहीं जरूरत है तो इसमें मत आलू डालो क्योंकि ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है बिना आलू। अब इसी में दोस्तों स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था। इसी में दोस्तों हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे कि नमक हमने पहले नहीं डाला था। इसी में दोस्तों इसे मिला देंगे सब्जी में और दोस्तों इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। इसमें हमने सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डाला है कि सब्जी अपना पानी छोड़ती है। दोस्तों इस तरीका से सब्जी बनाए बथुआ और सरसों का साग की भुजिया और जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी दोस्तों बहुत आसान है। ये दोस्तों लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, ये आलू है हमारे काले पड़ जाएंगे। ये दोस्तों आलू थोड़े से काले पड़ जाएंगे मगर ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। इसे दोस्तों ढक देंगे एक प्लेट से। दोस्तों प्लेट उठा के देखेंगे किस तरीका से हमारी सब्जी बनी है। दोस्तों आलू तोड़ के देखेंगे। दोस्तों आलू हमारे गल गए हैं, इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, जो सब्जी का पानी था उसी से हमने सब्जी कुक करी है। अब दोस्तों इसमें हम लहसुन और मिर्च का, लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। इसे दोस्तों एक थाली में पलट लेंगे। दोस्तों वापस धुल के कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, इसमें हमने बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। इसी में दोस्तों हरी मिर्च और लहसुन की कलियां हैं जो हमने दसवारा ले ली थी, इसे छोटा छोटा काट लिया। और जो दोस्तों मिर्ची है 5-6 है और दोस्तों हम जरूरत के हिसाब से डाल रहे हैं। इसी में दोस्तों भून लेंगे, सुनहरा कलर आने तक इसे भून लेंगे। दोस्तों इस तरीका से बनाए भुजिया दोस्तों बथुआ की और सरसों के साथ की, और बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाना भी दोस्तों बहुत आसान है। दोस्तों लहसुन और मिर्ची हमारी सुनहरी हो गई, इसी में दोस्तों हम जो साग है इसी में डाल देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है तो दोस्तों बनाना भी बहुत आसान है और जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहो तो दोस्तों इसमें आलू डाल सकते हो, और ना डालना चाहो तो इसमें मत डालो आलू। दोस्तों बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे दोस्तों 1 मिनट के लिए भून लेंगे। दोस्तों बथुआ और साग की भुजिया बनके रेडी है। इसे दोस्तों सर्व करेंगे, गैस कर देंगे बंद। दोस्तों जो मेथी सॉरी जो बथुआ और सरसों के साग की भुजिया बनके रेडी है। इसे दोस्तों बनाना बहुत आसान है और जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और दोस्तों इसे गर्मा गर्म सर्व करें तो बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों हमारे जो अगर बनाने का आपको तरीका पसंद आता हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों इसे चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी या पूड़ी या पराठे के साथ, दोस्तों बहुत अच्छी लगती है। हम दोस्तों आसान सी रेसिपी लाते हैं जो बनाना भी आसान हो और खाने में भी अच्छा
अच्छा लगे। दोस्तों हमारा जब बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।